नमस्कार मित्रों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, अर्थात लेंचो को क्या आशा थी। इसका आंसर है, लेंचो होप्ड टू गेट ए गुड हार्वेस्ट इफ ओनली ही हैड ए डाउन प्योर और एट लीस्ट ए शावर फॉर हिज फार्म्स। अर्थात लेंचो को आशा थी कि उसके खेत में बारिश हो या कम से कम बारिश हो तो उसे अच्छी फसल मिलेगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू क्वाइंस, अर्थात लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्के के समान हैं। इसका आंसर है, लेंचो सेड सो बिकॉज द रेन ड्रॉप वुड हेल्प हिम ए गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पर्टी। अर्थात लेंचो ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वर्षा की बूंदों से उसे अच्छी फसल प्राप्त करने में मदद मिलेगी और परिणाम स्वरूप समृद्धि होगी या अधिक धन होगा। हाउ डिड द रेन चेंज, अर्थात वर्षा कैसे परिवर्तित हो गई। इसका आंसर है, द रेन चेंजेड इंटू ए हेल स्टॉर्म एज ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हेल स्टोन स्टार्टेड टू फॉल एमोंग विथ द रेन। अर्थात तेज हवा चलने के साथ साथ बारिश ओलावृष्टि में बदल गई और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले अर्थात हेलस्टोन गिरने लगे। व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड, अर्थात लेंचो के खेतों का क्या हुआ। इसका आंसर है, लेंचोज क्रॉप वाज रूइंड बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, अर्थात लेंचो की फसल खराब मौसम की वजह से बर्बाद हो गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉपेड, अर्थात जब ओले बंद हुए तब लेंचो की क्या भावनाएं थी। इसका आंसर है, व्हेन द हेल स्टॉपेड लेंचो शॉल वाज फिल्ड विथ ग्रीफ एंड डिसमे ही वाज सेड रेदर फ्रस्ट्रेटेड ही रियलाइज्ड दैट एवरीथिंग वाज रूइंड बाय द हेल स्टॉर्म एंड नथिंग वाज लेफ्ट टू फीड हिज फैमिली फॉर द एंटायर ईयर ही कुड विजुलाइज द ब्लैक फ्यूचर ऑफ हिज फैमिली। अर्थात जब ओले बंद हुए तो लेंचो की आत्मा शोक और निराशा से भर गई। वह निराश था, उसने महसूस किया कि ओलावृष्टि से सब कुछ बर्बाद हो गया और पूरे साल अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा। वह अपने परिवार के अंधकार में भविष्य की कल्पना कर सकता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, अर्थात लेंचो का किसमें विश्वास था और उसने क्या किया। इसका आंसर है, लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड ही बिलीव्ड दैट गॉड आई सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस ही रोट ए लेटर टू गॉड टेलिंग दैट ही नीडेड 100 पीसोस टू सो हिज फील्ड अगेन। अर्थात लेंचो को पूरा विश्वास था, उसका मानना था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि किसी की अंतर आत्मा में क्या गहरा है। इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा कि उसे खेतों को फिर से बोने के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर, अर्थात पत्र को किसने पढ़ा। इसका आंसर है, द पोस्टमास्टर रीड द लेटर, अर्थात पत्र को पोस्टमास्टर ने पढ़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, अर्थात पोस्टमास्टर ने क्या किया। इसका आंसर है, द पोस्टमास्टर डिड नॉट वेंट टू शेक लेंचो फेथ इन गॉड
So he decided to answer the letter. He collected the money and sent it Lencho on behalf of God. अर्थात पोस्टमास्टर लेंचो के ईश्वर में विश्वास को हिलाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने निर्णय लिया कि लेटर का अर्थात पत्र का उत्तर दिया जाए। इसलिए उसने धन को इकट्ठा किया, या फिर इसलिए उसने पैसे को इकट्ठा किया और भगवान की तरफ से उसे लेंचो को भेज दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। अर्थात क्या लेंचो पत्र को पाकर हैरान था जिसमें उसके लिए पैसे थे? इसका आंसर है, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी एज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। अर्थात लेंचो पत्र के साथ पैसे पाकर हैरान नहीं था क्योंकि उसे भगवान पर पूरा विश्वास था। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम एंग्री। अर्थात लेंचो किस बात से नाराज हो गया? इसका आंसर है, ही बिकेम एंग्री बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 पिसोज फ्रॉम गॉड बट ओनली 17 पिसोज रीच्ड हिम। ही थॉट दैट गॉड कुड नॉट डिने हिम व्हाट ही हैड डिमांडेड सर्टेनली द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज माइट हैव टेकन द मनी। अर्थात वह क्रोधित हुआ क्योंकि उसने 100 पीसोज की मांग की थी लेकिन उसके पास केवल 70 रुपये ही पहुँचे। उसने सोचा कि भगवान उसकी मांग से उसे वंचित नहीं कर सकते, निश्चित रूप से पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज अर्थात कर्मचारियों ने पैसा लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।